बालाघाट जिले के लामता अंचल के ग्राम पंचायत बुढ़िया गांव के अलीपुर और ढूटी में युवा साथियों के सहयोग से मानव सेवा को दृष्टिगत रखते हुए हर घर में पहुंचकर सैनिटाइजर, मास्क और साबुन का वितरण युवा साथियों द्वारा किया जा रहा है। दूरस्थ अंचल में बसे गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को घर पर रहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सलाह भी दी जा रही है। देश में कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है और इस बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग के साथ ही घर में रहने की सलाह भी प्रशासन द्वारा भी दी जा रही है। हम लोगों ने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर जो सैनिटाइजर और मास्क साबुन वितरण किया है, जिसमें लोगों को संदेश दिया गया है कि आप अपना हाथ साबुन से बार बार धुलें, मास्क लगा कर रहें, अपने घर में रहें और इस महामारी से बचने के उपाय बताया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी बताया गया है। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग अपने वही बताएं सभी लोगों को, अपने घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, सब लोग दूर दूर रहें और नज़दीकियाँ बना के ना रखें, क्योंकि बीमारी की कोई इलाज नहीं है, ये एक महामारी है। इसको गांव के भाषा में बोला जाए तो एक छूतक की बीमारी है। क्या है ये जो संक्रमण फैला हुआ है, वैश्विक बीमारी, क्योंकि बड़े महानगर या फिर जिले स्तर पे, तहसील स्तर पे जन जागरूकता तो है लोगों में, लेकिन चूंकि जैसे ये बुढ़िया गांव ग्राम पंचायत का टोला है अलीपुर, यहाँ पे जन जागरूकता की कमी है और टीवी समाचार वगैरह यहाँ कम देखते हैं, तो यहाँ आकर के समस्त टीम द्वारा समझाइश दी गई कि मैं सोशल डिस्टेंस बना के रखें और बार बार सैनिटाइजर वगैरह से हाथ धोते रहें।